बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजधानी पटना में एक 45 साल की विधवा महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसके वीडियो को वायरल कर दिया। अब सीवान से महिला के साथ गैंगरेप पर वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। इस वीडियो में देखा गया कि 7 लड़के एक महिला के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला सीवान जिले के आंदा थाना इलाके का है, जहां के आंदा हाई स्कूल के पास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इस वीडियो में युवक महिला के साथ जबरदस्ती मारपीट और गाली गलौज भी कर रहे हैं। बदमाशों ने महिला के साथ बारी बारी से रेप किया और उसका पूरा वीडियो भी बनाया, जिसको बाद इस वीडियो को वायरल भी कर दिया गया। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि 17 अगस्त को ही घटना का वीडियो बनाया गया है, जहां पर आरोपियों ने महिला को अकेले पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस इस बात की तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर किन कारणों से महिला ने अभी तक आरोपितों के खिलाफ आवेदन नहीं दिया। पुलिस वायरल वीडियो में शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं वीडियो में वायरल फोटो की पुलिस शिनाख्त करने में जुटी हुई है। ये जो महिला के साथ दुष्कर्म का जो मामला है, ये हम लोग के संज्ञान में आज ही आया और इस पर तुरंत कार्रवाई करके अभी तक 4 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, सिक्योर किया है और आगे पूछताछ जारी है। सर, वीडियो कब का है और कहाँ का है? अभी तक का जो अनुसंधान है, ये वीडियो जो है वो घटना जो है वो 5 से 6 दिन पहले की है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पता नहीं, लेकिन उस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। और ये जो घटना है वो आंदर की है, जेजोर विलेज के पास एक नहर के आसपास की घटना है। तो हम सारे बिंदु पे और भी जो इनमें संलिप्त थे या उस वीडियो में दिख रहे हैं, उनके बारे में पता कर रहे हैं और जल्दी ही हम सारे लोगों को चिन्हित करके उनको सिक्योर करके आगे की कार्रवाई करेंगे। अब महिला के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि कौन है और हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि बिहार में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि एक तो वो गलती करते हैं, बाद में लड़की बदनाम करने के लिए उसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। न्यूज़ डेस्क।